अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये दोस्तों हम मुंबई से चले हुए हैं और आपको मैं ये बताना चाहता था कि ट्रैक और रोड जो है साथ साथ इस पहाड़ी इलाकों में कैसे चलते हैं और एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, रास्ते में क्रॉसिंग वगैरह कैसे होती है, ये दुशार गुजार रास्ते हैं। चल रही है और बाय रोड जो रोड उन्होंने बनाया हुआ है लोग समझ सकते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। ये आप देखें, ये उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है ये ट्रैक बनाया था और उसके जो आज तक उसी ट्रैक पे जो है ये गाड़ियाँ चल रही है रवाना हुआ है। पहले ये रोड जो था ये साफ नहीं था, ये जो है थोड़ा साइड में करके था, ये बाद में जो है रोड के साथ है। पहले यहाँ पर जो है सिर्फ यही ट्रैक था जिससे जो है हमारी ट्रेन की ट्रैफिक जो आया आया जाए। यहाँ के जो है खूबसूरत नज़ारे जो है आज बड़ा खास शाम का टाइम है क्योंकि ये कभी कभार और किसी किसी को ही देखने को मिलते हैं। वो दोस्त वो भाई लोग जो यहाँ नहीं आ सकते उनको उनके लिए खसूसी जो है ये मैं बता रहा हूँ। ये देखें रोड और नीचे गुलाई और गुलाई कहते हैं, बहुत गंदी गुलाई है। ये देखिए ये रोड है, ये और पहाड़ी पे जा रहा है और यहाँ पे हमारी क्रॉसिंग होगी। आगे चलते हैं तो आपको दिखाता हूँ। बस कोई इतना ख़ास लोड नहीं है, हम बहुत ज़्यादा ही लाइट लोड जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्यूल की कमी है। इंशाल्लाह जिस दिन में हमारे पास हैवी लोड हुआ तो मैं आपको दोबारा यहाँ की वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो उससे ये पता लगता है कि किस इंजन में कितनी ताकत है, कितनी जान है। जब एक इंजन अपना फुल लोड ले कर ये चढ़ाइयाँ चढ़ता है तो तब जाके सही मालूम होता है कि इंजन का खून पसीना निकल रहा है और कितने ताकत से कितना वो जोर लगा के जो है अपने लोड को जो हाल कर रहा है, खींच रहा है। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा जब भी मेरे पास जो है फुल लोड हुआ तो दोबारा मैं आप लोगों को जो है वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जो है इन इंजनों का इम्तिहान होता है, इन इंजनों की जान निकलती है, खून पसीना निकलता है। कि यहाँ पर लोड चढ़ाना और उतारना इतना आसान नहीं है, ये देखने में बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लगता है, इजी लगता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये जो बंदा इस लोड को खींच रहा होता है, चढ़ा रहा होता है, उसी को मालूम है कि तो ये किस तरीके से जो है लोड जो है चढ़ाया जाता है। और जो बंदा 1050 टन लोड जो है इसी सेक्शन पे उतार रहा होता है ना, तो ये उसी बंदे को मालूम है कि ये इतना लोड जो है यहाँ पर कैसे उतारा जाता है, क्योंकि तो इतना लोड जो है ना जो पुश करता है ना इंजन को तो गाड़ी रुकती नहीं है। ये ड्राइवरों की महारत है, स्किल्स है और उनका दिल गुर्दा जिगर है जो वो इतने हैवी लोड को और यहाँ पे सेक्शन पे उतार रहे हैं, जबकि हमारे जो है डब्बों की कंडीशंस वगैरह वो इतनी पुअर है, ब्रेकिंग पावर इतनी पुअर है कि क्या बताऊँगा आपको। ये तो जब प्रैक्टिकल होगा तब भी जो है सही अंदाज़ा होगा। इन सेक्शन में जो है 24 घंटे जो है इस सेक्शन पे जो है 24 घंटे आपको चौकन्ना होकर रहना पड़ता है, क्योंकि हल्की सी गफलत जो है ना आपकी वो पूरे लोड को पूरी की पूरी गाड़ी को तबाह कर सकती है।
इसलिए 24 घंटे हर वक्त आपको जो है चुकाना यहाँ पे बैठना पड़ता है और ड्यूटी करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो सेक्शन नहीं है जहाँ पे आप जो है इजीली कुछ करें या ना करें जो आप आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ये वो सेक्शन है जहाँ पे आपकी हल्की सी गलती और सेकंडों के अंदर जो है आपकी जान भी चली गई और पूरे का पूरा लोड जो है आपने जो फुल किया हुआ है वो भी जो है तबाह हो जाता है। ये देखें, ये लेवल क्रॉसिंग है यहाँ पे पहाड़ों के दरमियान में। हमारे पास लोड हुआ और फुल लोड हुआ इंशाल्लाह ताला, उस दिन आपको जो है इस लोकोमोटिव की आवाज़ सुनाऊंगा और वो जो आवाज़ है वो सुनने के लिए जो मायने रखती है, जो इस चीज़ को समझते हैं पहचानते हैं ना तो उन्हें वो आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। जो एक्सपर्ट लोग जो है ना वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मैं वो भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, आप वीडियो देखते रहें, एंजॉय करें और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुलाकात होगी एक नई जगह पे, नई वीडियो पे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।